अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनुमान, आप देख रहे हैं टेक हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, 2019 के अंदर सैमसंग की गलेक्सी ए सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर ए सीरीज़ के काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स इस दफ़ा सेल आउट हुए हैं। सैमसंग ने इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने का फैसला किया है। अब इसके साथ ए के साथ सैमसंग एस लगा के स्मार्टफोन जो ए सीरीज़ इसके उनके अंदर थोड़ी थोड़ी अपग्रेडेशन करके उनको दोबारा रीसेल आउट कर रहा है। अभी रिसेंटली सैमसंग ने गलेक्सी A10s को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया, लेकिन हम लोग बात करने वाले सैमसंग गलेक्सी A70s के बारे में, जिसके बारे में न्यूज़ आ रही है कि सैमसंग उसके अंदर 64 मेगापिक्सल का आइसोसेल कैमरा यूज़ करने वाला है। अब ये वाली न्यूज़ इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो सैमसंग के आइसोसेल कैमरा लेंसेज हैं ये बहुत ज़्यादा कमाल के, इनके अंदर हमें जो क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलती है। इनके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो 4 पिक्सल होते हैं उनको मिक्स करके 1 पिक्सल क्रिएट किया जाता है। उससे बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो आप लोगों को जो लो लाइट के अंदर फोटोग्राफी मिलती है, आपका जो लो लाइट के अंदर जो नॉइस आता है पिक्चर्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम आता है, और आपको जो डायनामिक रेंज मिलती है वो बहुत ज़्यादा कमाल की मिलती है क्योंकि इसके अंदर 4 पिक्सल्स को मिक्स किया हुआ होता है। तो जो ओवरऑल आप लोगों को पिक्चर मिलती है उसके अंदर जो आपको डिटेल मिलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो सैमसंग गलेक्सी A70s के बारे में यही न्यूज़ आ रही है कि उसके अंदर सैमसंग 64 मेगापिक्सल का आइसोसेल यूज़ करने वाला है। उसके अलावा उसकी जो ओवरऑल डायमेंशन होंगी वो सेम वही होंगी सैमसंग गलेक्सी A70 सिंपल वाली। उसके अंदर हमें जो बैटरी मिलेगी वो कहा जा रहा है कि 4400 mAh की बैटरी मिलेगी। पहले न्यूज़ ये आ रही थी कि उसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन अब 4400 mAh पे आ गई है न्यूज़। इसके अंदर हमें जो ओरिजिनल बैटरी मिली सैमसंग गलेक्सी A70 के अंदर वो 4500 की है। तो मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि अगर सैमसंग उसको ड्रॉप कर रहा है तो ये कोई ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा A70s के ऊपर, लेकिन इसके बारे में अभी कोई ज़्यादा इतनी कंफर्मेशन वो नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सैमसंग गलेक्सी नोट 10 प्लस के बारे में। अब सैमसंग ने नोट 10 के अंदर में एक फीचर दिया था लाइव वीडियो फोकस का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। आप लोग अपनी लाइव वीडियो के अंदर आपका जो बैकग्राउंड ब्लर होता है आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते थे। अब ये वाला जो फीचर है आप लोगों को सैमसंग गलेक्सी S10 के अंदर भी मिलेगा, एक अपडेट आएगी। सैमसंग ने ये बात अनाउंस कर दी है कि ये वाला जो फीचर है ये सिर्फ नोट 10 तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि जो S10 यूजर्स हैं उनको भी ये फीचर मिलेगा। तो अगर आप लोग S10 को यूज़ करें तो ये वाला जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, आप लोगों को बहुत जल्दी ये मिल जाएगा। उसके बाद अगली न्यूज़ आ रही शाओमी की तरफ से। अब आप लोगों को पता है कि जितनी भी स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो इस वक्त जो है वाटरफॉल डिस्प्ले की तरफ उनका सारा फोकस है। आप लोगों को अब फ्यूचर के अंदर जो स्मार्टफोन्स मिलेंगे मोस्टली वाटरफॉल डिस्प्ले के साथ ही मिलेंगे। तो शाओमी ने भी अपने वाटरफॉल डिस्प्ले वाला एक फ़ोन है उसका पोस्टर रिवील कर दिया है, जिसको शाओमी ने मी मिक्स अल्फ़ा का नाम दिया। अब ये वाला जो वाटरफॉल डिस्प्ले है ये एज़ कम्पेयर टू हुआवे वाले वाटरफॉल डिस्प्ले या फिर वीवो वाले वाटरफॉल डिस्प्ले से ज़्यादा कर वो के बैक साइड के ऊपर जा रहा है। ये टोटली तौर पर बैक साइड को टच कर रहा है, जिसको शाओमी ने अल्फा का नाम दिया। इसको ऊपर देख मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही हैं। इसकी जो लुक्स होंगी ये जब फ़ोन आएगा तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला। अब मेरी एक ही दुआ है कि शाओमी इसके ऊपर कोई बड़ी सी नोच को ना लगाए, शाओमी यहाँ पर पॉपअप सेल्फी कैमरा का सिस्टम लगा दे या फिर फ्रंट के ऊपर कैमरा लगाए ना, लेकिन ये वाला जो डिस्प्ले है इसके ऊपर जब आप लोग नोच को लगाते हैं तो इसकी जो सारी फ्यूचर वाली 2050 वाली जो लुक्स होती हैं वो टोटली तौर पर ख़राब हो जाती हैं। तो अब शाओमी भी वाटरफॉल डिस्प्ले को यूज़ करने वाला अपने फ़ोन के अंदर, लेकिन यहाँ पर मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट वो ये है कि सैमसंग अपने फ़ोन के अंदर वाटरफॉल डिस्प्ले को यूज़ कब करता है, क्योंकि ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले को कर्व करने की, जो डिस्प्ले का सबसे बड़ा बिजनेस है वो सैमसंग का ही है। तो सैमसंग की तरफ से मैं न्यूज़ का वेट कर रहा हूँ कि कब अपने किसी फ़ोन के अंदर सैमसंग वाटरफॉल डिस्प्ले को यूज़ करता है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है वो व्हाट्सएप की तरफ से आ रही है। ये न्यूज़ नहीं है, शायद आप लोगों को पता ही ऑलरेडी कि जो हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरीज़ को लगाते हैं आप लोग अब उन स्टोरीज़ को फेसबुक के ऊपर शेयर भी कर पाएंगे। अब मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप की जो स्टोरीज़ उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ गया, उन लोगों ने अपने पता नहीं खाना खाने से लेकर सोने तक की एक एक चीज़ की स्टोरी लगाई हुई होती है। तो ये वाली जो न्यूज़ है अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही, लेकिन हमारा इस वक्त जो मेन फोकस है वो वाटरफॉल डिस्प्ले है सैमसंग गलेक्सी S10 है, वो के इफेक्ट है। उसके अलावा जो A70s है ये व्हाट्सएप वाली न्यूज़ को आप लोग टोटली तौर पर इग्नोर मारे। अब वैसे मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वाली जो न्यूज़ है वो शेयर कर देता हूँ। यार मैं इस वक्त जो स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को स्टोरीज मिलती हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इवन के जो फेसबुक वाली स्टोरीज हैं वो मैसेंजर के अंदर भी शो हो रही होती हैं।
तो बस छोड़ो इस बात को। तो इस वीडियो के लिए इतनी था यार, उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, आप लोगों को सबसे जो अच्छी न्यूज़ वो कौन सी लगी। उसके अलावा जो सैमसंग गलेक्सी A70S है उसके बारे में अभी तक पाकिस्तान के अंदर वो कब आएगा, किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।